नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल सरकार ने विवादित जुडिशियल रिफॉर्म बिल टाला। नेतन्याहू बोले, गृह युद्ध रोकने के लिए बातचीत को तैयार, लेकिन बिल ला कर रहूंगा। तो दोस्तों, इसराइल में जुडिशियल रिफॉर्म बिल पर देशभर में 3 महीने से चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल को टाल दिया है। और दोस्तों, सोमवार को फैसले की घोषणा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगले महीने स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के बाद संसद के अगले सेशन शुरू होने तक बिल को टाला जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, ट्रेड यूनियन ने हड़ताल खत्म कर दी और इसराइल में संसद का अगला सत्र 30 अप्रैल से शुरू होगा। तो दोस्तों, बिल को वापस लेने की घोषणा करते हुए नेतन्याहू ने अल्पसंख्यक समुदाय पर देश को बांटने का आरोप लगाया है और साथ ही मिलिट्री रिजर्विस्ट की आलोचना की है, जिन्होंने बिल पास होने पर ड्यूटी नहीं करने की घोषणा की थी। और दोस्तों, नेतन्याहू ने कहा कि देश एक संकट का सामना कर रहा है जो राष्ट्र की एकता को खतरा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान के सभी अस्पतालों में कल बंद रहेगी ओपीडी। सरकारी डॉक्टर भी नहीं करेंगे काम। विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे 15,000 से ज्यादा डॉक्टर फैकल्टी। तो दोस्तों, राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में गुरुवार को पूरे राज्य में मेडिकल सेवाएं बंद रहेगी। वही दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के समर्थन में अब सरकारी हॉस्पिटल के सभी रैंक के डॉक्टरों ने कल पूरे दिन सामूहिक कार्य बहिष्कार का निर्णय किया है। तो दोस्तों, इस कारण राज्य में कल PHC, CHC, उप जिला हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी सर्विस बंद रहेगी। और दोस्तों, इस पूरे विरोध प्रदर्शन में 15,000 से ज्यादा डॉक्टर्स और टीचर्स फैकल्टी भी शामिल है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेडिकल ऑफिसर और PHC CNC के डॉक्टर की यूनियन अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के पहले से ही 29 मार्च को कार्य बहिष्कार का ऐलान रख रखा है। लेकिन दोस्तों, अब इनके समर्थन में सरकारी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स भी आ गए हैं, जिनमें दोस्तों सीनियर प्रोफेसर, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर रैंक की फैकल्टी भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सावरकर के पोते ने कहा, राहुल माफी मांगे वरना FIR। खड़गे की मीटिंग में उद्धव नहीं गए। राहुल सोनिया के सामने पवार बोले, गठबंधन मुश्किल होगा। तो दोस्तों, सावरकर के पोते रजीत सावरकर ने मंगलवार को कहा है कि राहुल गांधी उनके दादाजी पर दिए बयान पर माफी मांगे। तो दोस्तों, रजीत ने कहा है कि अगर राहुल ऐसा नहीं करते हैं तो वे उनके खिलाफ FIR करेंगे। और दोस्तों, इधर उद्धव ठाकरे की नाराजगी के बाद विपक्षी दलों ने तय किया है कि वे सावरकर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बयान नहीं देंगे। और दोस्तों, शरद पवार मंगलवार को दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हुए और यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी। इसमें दोस्तों, पवार ने कहा है कि सावरकर महाराष्ट्र में सम्मानित और पूजनीय है और उनको निशाना बनाने से महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में मुश्किलें आ जाएगी। इस पर दोस्तों, विपक्षी नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस सावरकर के मुद्दों पर अपनी बयानबाजी नर्म करने को तैयार है। तो दोस्तों, बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता रद्द होने के बाद 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें उनसे सवाल पूछा गया था कि भाजपा आपसे बार बार माफी की मांग कर रही है। और राहुल गांधी ने दोस्तों जवाब दिया था कि वह गांधी है, सावरकर नहीं, वो माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा, पार्टी बढ़ेगी तो विपक्ष में हमले तेज होंगे, लड़ाई के लिए तैयार रहे, कांग्रेस की आज मशाल यात्रा। तो दोस्तों, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मंगलवार को 11वें दिन भी बिना किसी कामकाज के स्थगित हो गए। और दोस्तों, सुबह 11 बजे सत्र शुरू होते ही अडानी और राहुल के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। वही दोस्तों, लोकसभा में कुछ सांसद वेले में आ गए और स्पीकर के सामने कागज फाड़ कर फेंक दिए। वही दोस्तों, कुछ ने काले कपड़े भी दिखा और इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। वही दोस्तों, इधर सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार सुबह 2 बैठक हुई थी, पहली भाजपा संसदीय दल की और दूसरी कांग्रेस और 16 विपक्षी दलों की। तो दोस्तों, भाजपा सांसदों की बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, अमित शाह समेत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जामिया हिंसा मामला, दिल्ली हाईकोर्ट से सरजील सफूरा फिर आरोपी घोषित। SC ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, 11 में से 9 के खिलाफ फिर चलेगा केस। तो दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया है, जिसमें दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया के दंगे कराने के आरोपियों को बरी किया गया था। वही दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बरी किए गए 11 में से 9 लोगों को फिर से आरोपी बनाया है। और दोस्तों, इनमें सफूरा जरगर, सरजी
वकील इमाम आसिफ इकबाल तनहा, मोहम्मद कासिम महमूद अनवर, शजर रज़ा, उमेर अहमद, मोहम्मद बिलाल नदीम और चंदा यादव शामिल है। तो दोस्तों, दिसंबर 2019 में हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था और इन लोगों पर हिंसा, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, पब्लिक सर्वेंट का रास्ता रोकने और कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। वही दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने 4 फरवरी को सभी 11 लोगों को हिंसा के मामले में बरी कर दिया था, लेकिन दोस्तों इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनडीटीवी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका, बिजनेस पर्पस एंश्योर करने के लिए हुई नियुक्तियां, 2 साल रहेगा कार्यकाल। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी एनडीटीवी ने सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा और बिजनेस लीडर दीपाली गोयनका को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है और दोस्तों दोनों का कार्यकाल 27 मार्च 2023 से 2 साल तक के लिए होगा। वही दोस्तों, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर और शेयर धारकों व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अप्रूवल पर यह नियुक्तियां हुई है। और दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप के अनुरूप एनडीटीवी के डायरेक्टर बोर्ड की स्वतंत्रता और बिजनेस पर्पस एंश्योर करने के लिए इन नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है। वही दोस्तों, आपको जानकारी के रूप में बता दें कि सेबी अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिनमें दोस्तों सीएनबीसी टीवी 18 इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडिया बिजनेस अवार्ड तथा द इकोनॉमिक टाइम बिजनेस रिफॉर्म अवार्ड द ईयर अवार्ड भी प्रमुख है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग में बैंक से अफसर ने उड़ाए 55 करोड़, सट्टेबाजी में कलीग भी शामिल, सीबीआई ने चार्जशीट में खुलासा किया। तो दोस्तों, दिल्ली में सीबीआई ने एक बैंक अधिकारी और उसके साथी को 55 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला करने का मामला नामजद किया है। वही दोस्तों, बैंक अधिकारी ने मई 2022 से सितंबर के बीच खूब ऑनलाइन गेम खेले और इस पैसे का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगाया। तो दोस्तों, आरोपी अधिकारी वेदांशु शेखर मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में पंजाब एंड सिंध बैंक की नॉर्थ कैंपस शाखा में तैनात था। और दोस्तों, सीबीआई ने चार्जशीट में कहा था कि अधिकारी और उसके साथी शैलेश कुमार जायसवाल ने बैंक अकाउंट में रखे लोगों के और कॉलेज वालों के पैसे को ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किया था। वही दोस्तों, मिश्रा ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए अवैध लेनदेन में सहकर्मियों के बैंकिंग पहचान पत्र के इस्तेमाल की बात भी कबूल की है और मिश्रा ने खालसा कॉलेज की 48.76 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट और कई अकाउंट से 6.7 करोड़ के मुद्रा लोन को गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया है। वही दोस्तों, मिश्रा को ऑनलाइन सट्टेबाजी की भी लत थी और वो ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली कैरेबियन गेमिंग वेबसाइट पर गेम खेलता था, जो दोस्तों यह वेबसाइट भारत में बैन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6 जरूरी काम निपटाने का आखिरी मौका, पीपीएफ और सुकन्या अकाउंट में जमा कर दे मिनिमम अमाउंट्स, पीएम वय वंदना योजना में करें निवेश। तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2022 और 23 खत्म होने में अब 3 दिन का ही समय बचा है और दोस्तों इन 3 दिनों में आपको कन्या अकाउंट में मिनिमम अमाउंट जमा कराने के जैसे 6 जरूरी काम निपटाने हैं। तो दोस्तों, यह काम ना करने पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए अभी तक टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो जल्द ही कर दे और आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की एफडी और ईएलएसएस आदि में निवेश करके सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको इस तरह की स्कीम में 31 मार्च तक के लिए निवेश करना होगा। वही दोस्तों, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पीएम वय वंदना योजना में निवेश करना चाहता है तो 31 मार्च 2023 तक ही ऐसा कर सकता है। और दोस्तों, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और ऐसे में दोस्तों आप इसमें केवल मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं और यह दोस्तों 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको माई न्यूज पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को माई न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर, गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 40 अंक गिरकर 57,613 के स्तर पर बंद, निफ्टी 34 अंक टूटा। तो दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी दोस्तों मंगलवार को
भी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों सेंसेक्स 40 अंक की गिरावट के साथ 57,613 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 34 अंकों की गिरावट रही और दोस्तों यह 16,951 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शहरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के सभी 10 शहरों में गिरावट देखने को मिली और ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 6.97% गिरा है। वही अडानी ट्रांसमिशन, पोर्ट्स, विल्मर पावर, टोटल गैस और ग्रीन एनर्जी के शेयरों में करीब 5 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, परिणीति राघव चड्ढा के रिश्ते पर आप संसद की मुहर। संजीव अरोड़ा का ट्वीट, आप दोनों को बधाई, आपका जीवन प्यार आनंद से भरा रहे। तो दोस्तों परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपनी रिलेशनशिप अभी ऑफिशियल नहीं की है, लेकिन दोस्तों आप सांसद संजीव अरोड़ा ने दोनों की फोटो शेयर करते हुए उनके रिश्ते पर मुहर लगा दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को संजीव अरोड़ा ने ट्विटर पर राघव परिणीति की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मैं आप दोनों को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों का साथ प्यार और आनंद से भरा रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वही दोस्तों संजीव का पोस्ट सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर यूजर्स रिएक्टिव हो गए और एक तरफ कई फैंस पोस्ट पर कपल को बधाई दे रहे थे तो दूसरी तरफ यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे थे। तो दोस्तों ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, अरे भाई इनका रिश्ता कंफर्म हो गया क्या? वही दूसरे ने लिखा, परिणीति जल्द ही आम आदमी पार्टी की MLA बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट बोले 2 ड्रिंक के बाद रात भर नाश्ता था, अब ड्रिंकिंग छोड़ चुका हूँ। अनुष्का बोली हम साढ़े नौ बजे तक सो जाते हैं। तो दोस्तों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 24 मार्च को इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स अवार्ड में शामिल हुए और दोस्तों इस दौरान उन्होंने कहा कि वो पहले की तरह अब लेट नाइट पार्टीज में नहीं जाते। पहले वो रात में 3 बजे जग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो 9:30 बजे तक सो जाते हैं। तो दोस्तों विराट ने कहा कि पहले 2-3 ड्रिंक के बाद मैं रात भर डांस करता था, अब ड्रिंकिंग छोड़ दी है। और विराट और अनुष्का ने स्टार स्पोर्ट को दी इंटरव्यू में यह बात कही है। वही दोस्तों अनुष्का ने कहा है कि हम रात 9:30 बजे तक अपने बेड पर होते हैं, पहले 3 बजे तक जागते थे, लेट नाइट पार्टीज करते थे, लेकिन वामिका के जन्म के बाद यह संभव नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं, रियलिटी है। बच्चे के जन्म के बाद आप बहुत ज्यादा सोशल नहीं हो सकते। वही दोस्तों विराट ने कहा है कि अब तो मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन पहले जब भी किसी पार्टी में जाता था तो 2-3 ड्रिंक के बाद मैं रुकता नहीं था, रात भर डांस करता था, फिर मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होती थी। खैर यह सब पहले की बात है, अब ऐसा नहीं होता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंत्री शेखावत ने लूटा हुआ पैसा अफ्रीकी देश में लगाया। संजीवनी घोटाले पर बोले गहलोत, गजेंद्र सिंह डर गए। तो दोस्तों संजीवनी सोसाइटी के मुद्दे पर CM अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। तो दोस्तों मंगलवार को जोधपुर दौरे पर आए CM ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा है, मंत्री जी घबरा गए हैं क्योंकि सीधा आरोप है उनके और उनके परिवार पर लगाया है। तो दोस्तों गहलोत मंगलवार को जोधपुर में कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। तो दोस्तों एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए तो उन्होंने मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया और मैंने सर्च किया, संजीवनी से पीड़ित 2 लाख परिवार है जिनका पैसा डूब गया है और मेरे खिलाफ मानहानि का केस लगाया है। यह इशू बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रधानमंत्री का प्रेशर इन पर बढ़ेगा तो पैसा आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। मैंने तो यही सोचकर चल रहा हूं कि मेरे खिलाफ चाहे कुछ भी करे लेकिन पैसा लौटाने के लिए आगे आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में BJP रेडिशियल कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे PM, इसका इस्तेमाल पार्टी की बड़ी बैठकों के लिए होगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के नए रेडिशियल कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन कर चुके हैं और दोस्तों यह भाजपा मुख्यालय के सामने बनाया गया है और इसे पार्टी की बड़ी बैठकों और कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें संगठन महासचिव और मंत्री स्तर के नेताओं के लिए इस परिसर में रहने की सुविधाएं भी होगी। तो दोस्तों भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट NXC में OBC मोर्चा के सभी सांसदों के लिए डिनर होस्ट करेंगे। वही दोस्तों इस दौरान सांसदों को अपने क्षेत्रों खासकर की दोस्तों OBC मोर्चा के लिए काम करने के लिए टिप्स दी जाएगी। वही दोस्तों बता दें कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है और लिहाजा इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमृत
जितपाल की पत्नी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। एनआरआई की रणदीप कौर बोली, धर्म प्रचार गलत काम नहीं, उन्हें फंसाया जा रहा, मैं उनके साथ हूँ। तो दोस्तों, वारिस पंजाब डे के चीफ भगोड़ा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर ने पहली बार मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। और दोस्तों, किरणदीप कौर ब्रिटेन की नागरिक है, हालांकि वह मूल रूप से जालंधर के गाँव कुलारा की रहने वाली है। वही दोस्तों, एक पत्रिका से बातचीत किरणदीप ने अपने व अमृतपाल के रिश्तों को लेकर अमृतपाल की फरारी पर खुलकर बात कही, और इसके अलावा अमृतपाल से फ्रेंडशिप से लेकर शादी तक के बारे में भी बताया। वही दोस्तों, आपको बता दें कि वारिस पंजाब डे का चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का एक वीडियो भी सामने आया था, और दिल्ली में वह अपने साथी पपलप्रीत सिंह के साथ ज्यादा दिखाई दे रहा था। और दोस्तों, यह वीडियो 21 मार्च का बताया जा रहा है, और अमृतपाल ने अपने बाल खोल रखे हैं और पीछे पपलप्रीत सिंह भी चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, बोले अमृतपाल मुद्दे पर नेगेटिव चीजें ना दिखाए मीडिया, राहुल पर कहा सांसद अब जेल जाएंगे या बीजेपी में। तो दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत मंगलवार को हरियाणा के करनाल के चीड़ा मोड़ पर पहुंचे, और दोस्तों यहां उन्होंने मौसम की खराबी की वजह से किसानों की गिरी हुई फसलों का जायजा लिया, और यहां उन्होंने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दोस्तों, उन्होंने कहा कि आज किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे ना तो किसान की पड़ी हुई फसलें देखने के लिए है, और ना ही मुआवजे का कुछ प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों में सरकार व प्रशासन के लिए प्रतिरोध है। तो दोस्तों, टिकैत ने अमृतपाल मुद्दे पर मीडिया को नेगेटिव चीजें दिखाना बंद करने की अपील की है। वही दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर कहा कि देश में सांसद बीजेपी या जेल जाएंगे या फिर आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों, बता दें कि गांव जाजवान निवासी किसान राजेश ने बीते 23 मार्च को राकेश टिकैत को फोन करके अपनी फसल खराब होने का दर्द सुनाया था, जिसमें रोते हुए राजेश ने कहा था कि ताऊ नाश हो गया, ओले पड़ गए, फसल बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, राकेश टिकैत आज गांव जजवान में जाते समय करनाल के चिड़ाव गांव में रुके और फसलों का जायजा भी लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सऊदी में उमरा करने जा रहे यात्रियों की बस पलटी, 20 की मौत, 29 घायल, ब्रेक फेल होने से पुल से टकराई थी बस। तो दोस्तों, सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों को मक्का लेकर जा रही एक बस पुल पर क्रैश हो गई है, और हादसे में दोस्तों 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। वही दोस्तों, बस यात्रियों को उमरा के लिए मक्का लेकर जा रही थी, तभी सऊदी के असीर राज्य के पास ब्रेक फेल होने से बस पुल से टकरा कर पलट गई और उसमें आग लग गई। वही दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बस में सवार यात्री अलग अलग देशों के थे, हालांकि दोस्तों यह कौन से देश के हैं इनकी जानकारी सामने नहीं आई है। और हादसा होते ही सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए घटना स्थल पर पहुंच गई, और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर 49 लाख का जुर्माना, महिलाओं का पासपोर्ट भी जब्त होगा, इंटरनेट भी यूज नहीं कर पाएगी, संसद ने कानून बनाया। तो दोस्तों, ईरान की संसद ने महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर एक नया कानून बनाया है, और इसके तहत अगर वो हिजाब नहीं पहनेगी तो उन्हें 49 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। और दोस्तों, ईरान के सांसद हुसैनी जलाली ने इसकी पुष्टि की है, और रिपोर्ट के मुताबिक जलाली ने कहा कि जुर्माने के अलावा महिलाओं ने अगर नए ड्रेस कोड का पालन नहीं किया तो उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाएंगे और उनके इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वही दोस्तों, ईरान में पिछले 6 महीनों से हिजाब के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए यह नया कानून बड़ा झटका है। वही दोस्तों, ईरान के एक धर्मगुरु मोहसेन आरिक ने महिलाओं के हिजाब ना पहनने की तुलना कोरोना वायरस से की है, और उन्होंने कहा कि हम कोरोना वायरस की तरह हिजाब के खिलाफ चले ट्रेंड को फैलने नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी केस पर अमेरिका की नजर, कहा अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी, चिदंबरम बोले केस इतनी तेजी से चला, उसेन बोल्ट भी हैरान होंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर लगातार अमेरिका भी नजर रख रहा है। वही दोस्तों, स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल ने सोमवार को कहा कि भारतीय कोर्ट में चल रहे इस मामले पर हमारी नजर है। वही दोस्तों, सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने भी इस केस पर जमकर तेज धावक और 100 मीटर रेस में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट का उदाहरण दिया है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार के साथ ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई की और राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया, उसे देखकर तो उसेन बोल्ट भी हैरान हो जाएंगे। वही दोस्तों, अमेरिकी सरकार के डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांता पटेल सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उसने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किए जाने पर सवाल किया, और पटेल ने कहा कि अमेरिका अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए सम्मान किसी भी देश में लोकतंत्र की बुनियाद है, और लोकतांत्रिक मूल्य ह्यूमन राइट्स
रिट्स और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों देशों में लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए अहम है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे। और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते लकी विजेता के रूप में, तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।